नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के बाराटरू क्षेत्र के ग्राम पिपलौद से युवा ग्रामवासी गांव की समृद्धि, खुशहाली, एकता की कामना लेकर श्री कामखेड़ा हनुमान जी तक पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। ग्राम युवा सोच मंच ने और गांव के वरिष्ठ जनों ने स्वागत सत्कार करके 2 दर्जन से अधिक जन भक्तों को रवाना किया। इस अवसर पर गांव के सभी धार्मिक स्थलों की पूजा अर्चना की गई। जत्थे में वरिष्ठ छीतरलाल मीणा, भवरलाल नागर सहित युवाओं में मुरली बहादुर, मुरलीधर गोंड, राम हेत सहित दर्जनों युवा वरिष्ठ जन यात्रा में शामिल हैं। गांव के महिला बुजुर्गों युवाओं ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। वरिष्ठ जन ओम प्रकाश गोंड, जानकी लाल पोटर सहित ग्राम युवा सोच मंच संयोजक जितेंद्र गोंड ने भक्तजनों का तिलक कर गांव से विदा किया। ग्राम पिपलौद से कामखेड़ा हनुमान मंदिर पर दर्शन के लिए एक जत्था जा रहा है। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, हाँ, आप किस लिए पद यात्रा कर रहे हो? गांव की सुख समृद्धि के लिए और क्या नाम से मनोकामना, जैसे कि बरसात के पानी के लिए उधर से गांव में जिस प्रकार महामारी वगैरह है, तो कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। बुलंदशहर में इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ हिस्ट्री सीटर इनामी बदमाश। चोरी की घटना में वांछित 20,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री सीटर अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार। हिस्ट्री सीटर के कब्जे से चोरी के आभूषण, नगदी, अवैध असलाह व बाइक बरामद। पुलिस की घेराबंदी के बाद इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जबकि फायरिंग में गोली लगने से इनामी बदमाश हुआ घायल। आज के बाद नहीं करने का, चोरी करी थी मगर आज के बाद नहीं करूंगा। इस पर सब पे फायर मार के भागा था मैं, सब पे फायर मार के भागा था। आज के बाद तलाशी 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 माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र अमृतपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटा वितरण में धांधली की शिकायत की जांच करने पूर्ति निरीक्षक गई थी। वह दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही थी। उसी दौरान प्रधानपति और कोटेदार समर्थकों में विवाद हो गया, इस पर जमकर हंगामा हुआ। प्रधानपति ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने प्रधानपति और इसकी राइफल को हिरासत में ले लिया। थाना क्षेत्र के ग्राम कुमरोर की राशन दुकान सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के पुत्र उमेंद्र यादव के पास है। विगत दिनों प्रधानपति आनंद विक्रम सिंह उर्फ बिट्टू परमार के समर्थकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर रहा था कि कोटेदार 2 महीने से राशन वितरण नहीं कर रहा है। DM के निर्देश पर शुक्रवार को पूर्ति निरीक्षक नेहा गुप्ता कुमरौर के मजरा रामपुरा पहुंची और प्राथमिक विद्यालय में दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर बयान दर्ज करने लगे। उसी दौरान कोटेदार उमेंद्र यादव के समर्थकों को विद्यालय के पास ही प्रधानपति बिट्टू परमार से विवाद हो गया। विवाद के दौरान भीड़ एकत्रित हो गई, भी मौके पर कई राउंड फायर हुए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आनंद विक्रम की राइफल व कार कब्जे में लेकर आनंद विक्रम व भाजपा के बूथ अध्यक्ष सहित लगभग 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। आज थाना अमृतपुर के क्षेत्र ग्राम ब्रह्मपुरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम जो एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच पे गई थी, वहाँ पर पूर्व प्रधान जो कि कोटेदार हैं और वर्तमान प्रधान, दोनों के समर्थक वहाँ जांच के दौरान आ गए और उनके बीच में
गाली गलौज मारपीट आदि की घटना हुई है, जिसकी सूचना तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो उसमें उपद्रव करने वाले कुछ लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी इस घटना में संलिप्त है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र अमृतपुर गांव गुजरपुर परमान में अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों की सप्लाई हो रही थी, जिसके लिए एक दर्जन से ज़्यादा सिलेंडर गाड़ी से उतरते थाना पुलिस के द्वारा देखे गए और घर में रखे पाए गए। मौके पर दुकानदार भी पकड़ा गया। हल्का इंचार्ज इंद्रदेव भदौरिया के द्वारा जानकारी ली गई तो उसने बताया कि मैं सिलेंडर एक जनसेवा केंद्र के माध्यम से अत्रे इंडियन गैस सर्विस से समृद्ध किया है, उसी को देखते हुए दुकान मालिक ने दुकान में सिलेंडर रखने से मना कर दिया था। ये गांव में अपने घर पर कई दर्जन एलपीजी सिलेंडर रखता था। किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता था। हल्का इंचार्ज इंद्रदेव भदौरिया के द्वारा मौके पर गैस सिलेंडर और दुकानदार सुरेंद्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और सिलेंडर भी जब्त किए गए। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार चौबे ने बताया कि हल्का इंचार्ज के द्वारा एक दर्जन एलपीजी सिलेंडर घर से पकड़े गए। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिलाधिकारी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कल रात्रि के दौरान राधिका हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की हुई थी मौत। परिजनों ने हॉस्पिटल में की थी तोड़फोड़। प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में। राधिका हॉस्पिटल को रसूलपुर थाने के सामने स्वास्थ्य विभाग ने किया सीज। इधर ML सिद्धार्थ नर्सिंग होम बम्बा रोड अलका पेट्रोल पंप के सामने स्वास्थ्य विभाग ने किया सीज। गंगा देवी हॉस्पिटल बम्बा रोड पर माँ माया देवी हॉस्पिटल मिला बंद। डॉक्टर न मिलने पर माँ लक्ष्मी हॉस्पिटल को दिया नोटिस। करण हॉस्पिटल मिला बंद। प्रेम हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने के कारण थमाया नोटिस। देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग जनपद के आधा दर्जन फर्जी अस्पतालों पर कब तक करेगा कार्यवाही। हालत खराब हो जाती है तो कोई संभालने वाला नहीं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को कोटा संभाग के बूंदी जिले के हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र में शुरू होने वाले 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने दो बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। इंटरनल राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, बल्कि राजस्थान सरकार ने चालू प्रोजेक्ट को बंद करने को कहा है, जबकि कांग्रेस प्रोजेक्ट को आगे गति देती है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब हमारे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत।